साथियों मैं हूं अभी कुंभलगढ़ और आप देख सकते हो ये रोड पे ये सितोलिया बना रखा है, खेल बना रखा है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। जैसे हम गाड़ी लेके आए तो आपको बताता हूँ ये बैग पड़े हैं और बच्चे यहाँ से डर के भाग गए थे, यहाँ खेल रहे। अभी आप इनके टीचर नहीं आए, आपको बच्चे दिखाऊं तो देखो वो भाग कर वो वहां चले गए थे बच्चे। ये है कुंभलगढ़ की शिक्षा की कंडीशन, यहाँ भीलों की संख्या बहुत ज्यादा है और कैसे इस भीलों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, कैसे इस आज बेटे पास में आ जाओ। तो आपको ये बच्चों को हमने वापस बुला दिया, इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है तेरा? कमलेश। स्कूलों का ही नाम बेटा थारो? स्कूल कैसी है? स्कूलों नाम बोले ना बेटा। मार साहब कतरी भैया स्कूल आया बेटा थारो? हिमाराम भील। स्कूलों का ही नाम है थारा? राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमा का छापर का स्टूडेंट। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी टाइम क्या हो रहा है सुनील जी देखना, 11 बज रही है बेटा। रोड पे सितोलिया क्यों खेल रहे हो? हम नहीं खेल रहे। आप खेल रहे थे? सर कितने बजे स्कूल आते हैं? 11 बजे। इसलिए खेल रहे थे तुम? हाँ। तो सर इस रास्ते से ही आते हैं क्या? नहीं। तो उधर से, यहाँ से स्कूल 500 मीटर दूर है साथियों और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। 11-11 बजे तक स्कूलों के ताले नहीं खुलते और सारे भीलों के बच्चे हो? हाँ। हैं सब भीलों के बच्चे हो? हाँ। ये सब भीलों के बच्चे हैं, इनके शिक्षा के बारे में कौन सोचेगा? लेकिन इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये एक सोचने की बात है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हो वो जो सामने दिख रहा है वो स्कूल है और पीछे मेरे बच्चे आ रहे हैं। हम जा रहे हैं स्कूल पे और स्कूल की कंडीशन आपको दिखाते हैं, लाइव कंडीशन आपको दिखाते हैं, आप वीडियो पर बने रहे। पहुंच गए। तो साथियों आप देख सकते हो हम पहुंच गए हैं स्कूल पर फाइनली। तो ये है, आप देख सकते हो ये स्कूल है जिसके बारे में आपको बता रहा था और इस स्कूल के बच्चे थे जो रास्ते में खेल रहे थे। अभी गुरु जी आप जी। क्या नाम है सर? देवेंद्र कुमार जी। कहाँ से है सर? सर टाइम 11 बज रही है, क्या कारण था लेट होने का? 11 नहीं बजे सर, वो आप भी टीचर है? क्या नाम है सर? गोविंद कुमार जी। ये टीचर हैं और अभी पहुंचे हैं और बच्चे आपको दिखा रही है, बच्चे भी आपके अभी बच्चे आ गए सर, अभी ताला खुल रहा है। आप तो आप देख सकते हो अभी स्कूल का ताला खुला है और बच्चे अब स्कूल के अंदर एंट्री हुए हैं। 11 बज रही हैं और अब बच्चों का स्कूल चलेगा, अब चालू होगा। तो आप सर कारण बताएंगे क्यों लेट हुए, कैसे? गैस की टंकी के लिए तो एक टीचर भी जा सकता है ना सर? मेरे पास 10 बजे आते हैं। दूसरे टीचर भी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप बताएंगे क्या कारण है? बच्चे बोल रहे थे कि 11 बजे स्कूल खुलता है। नहीं, बच्चों को इतना टाइम का थोड़ी ध्यान रखते हैं बच्चे। क्या वो लोग भी बोल रहे थे, यहाँ पे कुछ लोग आने गुजरने वाले बच्चे थे, हम बात कर रहे थे तो वो लोग भी बोल रहे कि सर 11-11:30 बजे तक खुले। हाँ जी। कहाँ तक है स्कूल? ये 5 मीटर। 5 मीटर। कितने बच्चे स्टूडेंट है यहाँ? ये 23। 23 बच्चे हैं। वो बच्चे दो टीचर ही होते हैं। फिर भी गवर्नमेंट के हिसाब से तो बच्चे से खुलने का नहीं, 10 बजे का आज वो परसों के दिन वो टंकी खाली हो गई थी, गाड़ी आती है तो तो गाड़ी में वो सिलेंडर खत्म हो गए थे, फिर अब सिलेंडर एडजस्ट करके लाए बच्चों को खाना बनाने के लिए। तो नहीं है स्कूल टाइम के बच्चे बाहर रोड पे, और वहाँ पे हमने देखा था सितोलिया रोड पे खेल रहे थे और ये जो मेन रोड है यहाँ पे बच्चे अंदर आ जाते हैं, अंदर खेलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोड पे गाड़ी भी निकलती रहती है। पर वो देखो आज वो सिलेंडर की वजह से हो गए, बाकी ऐसे वो कर्मचारी जो दूसरा सफाई वाला वो कोई होगा ना? नहीं, सफाई वाला ऐसा कोई नहीं। चलो चलो ठीक है।